नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 31 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी भवनों के निर्माण में अब बढ़ेगी सख्ती। बिहार के अब इस परीक्षा में किताब ले जाने की मिली छूट। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करने का आज आखिरी मौका। राजभवन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए निर्देश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इस परीक्षा में किताब ले जाने की मिली छूट। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई क्लर्क भर्ती की परीक्षा में किताब लेकर जाने की छूट मिलने वाली है। बीपीएससी एलडीसी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की माने तो लिखित परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा और दूसरा मुख्य परीक्षा का होगा। खबरों की माने तो प्रारंभिक परीक्षा में किताब ले जाने की छूट छात्रों को दी जाएगी। हाथ में लिखी हुई चीजें या फिर फोटोकॉपी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा भवन में ले जाने से वर्जित किया गया है। ध्यान रहे, छात्रों को परीक्षा के दौरान परीक्षा में मार्क्स के आधार पर उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मुंगेर के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। लोग इस किले को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ इसको लेकर संदेह है, क्योंकि कई इतिहासकार इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति यह किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। यह एक घेराबंद किला है जिसके चारों ओर चार द्वार बने हुए हैं। यह किला दो पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्र और स्मारक दिखेंगे, जिसमें साहा सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडी स्थान मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि यह देश का पहला किला है। यूपी आंगनबाड़ी में होने जा रही है बंपर बहाली। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से राज्य के 53,000 आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर्स भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर यूपी बाल विकास सेवा की वेबसाइट balvikasup.gov.in पर भर्ती नोटिफिकेशन और आवेदन के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आवेदकों को आवेदन करने में कोई असुविधा न हो इसके लिए विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इन पदों के लिए आप किसी भी पूछताछ या सहायता के लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800 180 5500 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। होली के बाद भी बीरचंद पटेल पथ दिखा शांत। होली भले ही खत्म हो गई हो, मगर राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय के बाहर होली का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। पटना के सबसे वीआईपी सड़क बीरचंद पटेल पथ पर स्थित तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर बीते दिन बंद नजर आए। इतना ही नहीं, बीते दिन सभी दफ्तरों के गेट पर ताला लटका हुआ था और दूर दूर तक किसी का अता पता नहीं था। खबरों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवेश कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताले के साथ साथ एक नोटिस भी चिपका था, जिसमें लिखा था कि 30 मार्च तक होली की छुट्टी है, इसीलिए दफ्तर बंद है। ऐसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का देखने को मिला, जहां मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ था। इतना ही नहीं, सन्नाटा भी पसरा हुआ था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे इम्तियाज अली की। इम्तियाज अली हिंदी फिल्म के एक निर्देशक है, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था। हालांकि बंटवारे के बाद आज इम्तियाज अली का जन्म स्थान झारखंड में हो गया है, लेकिन मूल रूप से इम्तियाज का नाता बिहार से ही है। इम्तियाज ने अपने करियर को टीवी कार्यक्रम को निर्देशित किया है, जिसमें कुरुक्षेत्र, जी टीवी शामिल है। वो बॉलीवुड की फिल्मों में चले गए हैं। 2005 में उन्होंने अभय देओल और आयशा टाकिया अभिनीत सोचाना था के साथ अपना निर्देशन शुरू किया था। उन्होंने बाद में एक बातचीत में अधिकृत किया था कि फिल्म बनाने के लिए उन्हें 3 साल लगे थे। उनकी दूसरी फिल्म जब वी मेट, जिसने वास्तविक जीवन को जोड़ा, इसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका के भारतवंशी दंपति ने बिहार झारखंड को दिए 1 करोड़ रुपए। अमेरिका के एक भारतवंशी दंपति ने हाल ही में बिहार और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है, जिसकी जानकारी बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने दी है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के रमेश और उनकी पत्नी कल्पना भाटिया ने इसको लेकर आधिकारिक घोषणा भी जारी कर दी थी, जिसके तहत उन्होंने इस राशि को दान करने की बात कही थी। साथ ही दान की गई राशि संस्था एवं प्रवासी एलुमनाई निःशुल्क की संयुक्त रूप से दोनों प्रदेशों के हाथ क्षेत्र में चल रही योजनाओं में खर्च किया जाएगा, इस बात की घोषणा की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्राण अमेरिका में काम करने वाले भारतवंशी डॉक्टरों की एक संस्था है। यह संस्था बिहार और झारखंड में ऐसे स्थानों पर काम कर रही है जहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कमजोर है। बिहार में शराब मामलों में बर्खास्त पुलिसकर्मियों की बनेगी कुंडली। बिहार पुलिस शराब मामले में बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों की कुंडली तैयार करने वाली है। इसको लेकर शराबबंदी कानून के तहत बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी के घर का पता और मोबाइल नंबर के साथ विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसको लेकर मद्य निषेध विभाग के आईजी ने सभी जिलों के एसपी, रेल एसपी और कमांडेंट आदि को पत्र जारी किया है, जिसके तहत 4-5 सालों में बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों में कई पुलिस पदाधिकारी, दरोगा, सिपाही, चौकीदार और होमगार्ड आदि शामिल है, जिसके तहत ही अब इन पुलिसकर्मियों का घर का पता और मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी गई है,
जिसके बाद 6 अप्रैल तक इन सभी जानकारियों को साझा करने का आदेश जारी किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को मिली हरी झंडी, दरभंगा वासियों के लिए अहम सूचना। सरकार के प्रयासों के बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रस्ताव जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य सरकार को पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत ही 54 एकड़ में सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 24 एकड़ भूमि रनवे विस्तार के लिए अधिकृत की जाएगी। इससे दरभंगा एयरपोर्ट को ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाने में भी मदद मिलेगी। राजभवन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए निर्देश। राजभवन सचिवालय ने हाल ही में बिहार के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपना निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सचिवालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक से मूल्यांकन के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्वच्छता रैंकिंग में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। जो उच्च शिक्षण संस्थान स्वच्छता रैंकिंग में भागीदारी से पिछड़ेंगे या बचने की कोशिश करेंगे तो सचिवालय की तरफ से उनके अनुदान में कटौती की जाएगी। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वच्छता रैंकिंग के बारे में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपको बता दें, हाल ही में कुलाधिपतियों के स्तर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भी कुलपतियों और कुल सचिवों से साफ कहा गया था कि स्वच्छता पर ध्यान दें ताकि उन्हें बेहतर ग्रेडिंग मिल सके। पटना एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल हुआ जारी। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 48 जोड़ी यानी कि 96 फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। खबरों की माने तो पटना स्थित एयरपोर्ट के प्रबंधन ने गर्मियों के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल 28 मार्च से लागू हो चुकी है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप अब पटना से बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, अमृतसर, लखनऊ, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। सरकारी भवनों के निर्माण में अब बढ़ेगी सख्ती। बिहार में सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर अब और सख्ती दिखाई जाएगी, जिसके बाद अब भवन निर्माण करने वाले निर्माण कंपनी और ठेकेदार की मनमानी नहीं चलने वाली है। निर्माण कंपनी सरकारी भवन या फिर सरकार के मेगा प्रोजेक्ट सही तरीके से कर रही है या नहीं, इसकी सख्त मॉनिटरिंग का काम भी किया जाएगा। इसको लेकर 2 के बदले अब 4-4 उड़न दस्तों को लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर लगातार भवन निर्माण विभाग को उड़न दस्तों की शिकायत प्राप्त होती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सख्ती दिखाई जाएगी। आज पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां का होगा अंतिम संस्कार। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद बीते दिन उनकी मां के पार्थिव शरीर को पटना लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्रियों ने अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन नितिन नवीन का हौसला बढ़ाते देखे गए। साथ ही स्वर्गीय मीरा सिन्हा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन पुष्प भी अर्पित किए गए। खबरों की माने तो अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को बंदर बगीचा स्थित आवास पर 31 मार्च तक रखा जाएगा, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार दीघा के जनार्दन घाट पर किया जाएगा। होली के बाद अलसाया बाजार। होली का त्यौहार खत्म होते ही बाजार की रौनक भी गायब दिखी। बीते दिन की बात करें तो राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य शहरी इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा, जिससे एक बात तो साफ दिखी कि दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक भी होली की थकान मिटाने में लगे हुए हैं। जानकारों की माने तो बाजार की स्थिति 1-2 दिनों तक ऐसी ही देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, बीते दिन तो खाद्य तेल और किराना मंडी मारूफगंज, मंसूरगंज, महाराजगंज भी बंद रही। मंडियों में भी सन्नाटा पसरा रहा। इसलिए अगर आप बाजार जाकर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो पहले यह पता लगा लें कि बाजार खुले हैं या नहीं, वरना कहीं आपको खाली हाथ ही वापस ना आना पड़े। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारत में 1774 में डाक सेवा का पहला कार्यालय आज ही के दिन खुला। मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण आज ही के दिन दी गई। बम्बई में 1964 में इलेक्ट्रिक ट्रॉम आखिरी बार आज ही के दिन चली थी। 1938 में भारत की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ तथा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1945 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। 1930 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। अब बिहार के पुलों के रखरखाव का रखा जाएगा खास ख्याल। अक्सर समय के साथ बिहार के कई पुलों के रखरखाव के अभाव के कारण पुल की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार के पुलों के सेहत को ध्यान में रखने के लिए पथ निर्माण विभाग की तरफ से ब्रिज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करने का ऐलान किया है। लंबी अवधि के पुलों के रखरखाव को लेकर बन रही दीर्घकालीन पुल संधारण नीति का हिस्सा होगा, जिसके बाद अब पुलों के लाइफ साइकिल के बारे में वैज्ञानिक तरीके से डेटाबेस तैयार करने के लिए ही ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत होने वाली है।
तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। बिहार में होली का त्यौहार भले ही बीत गया है मगर राजनीति का सियासी रंग अभी भी खेला जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बातों ही बातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षण के 56% और गैर शिक्षण के 70% पद खाली है। योजना मद का आधा हिस्सा खर्च होता है, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। उन्होंने आगे कहा कि कागजों में बजटीय राशि खर्च करने के लिए मार्च महीने में सबसे बड़ी लूट होती है। 8-10 वर्षों से सभी विभागों के हजारों लाखों करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं, क्योंकि विभागों के पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कौन सी राशि किस मद में खर्च की गई है। भारी लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दिल्ली एम्स में राष्ट्रपति की बाईपास सर्जरी के बाद मुख्यमंत्री ने की स्वस्थ होने की कामना। बीते दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दिल्ली एम्स में बाईपास सर्जरी करवाई गई। हालांकि सर्जरी तो सफल रही मगर राष्ट्रपति को अभी भी चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट जारी किया, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का बाईपास सर्जरी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्रपति महोदय जल्द ही स्वस्थ और दीर्घायु हो। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने नीतीश पर साधा निशाना। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एक बार जंगल राज कायम हो गया है। आजादी के बाद से विधानसभा में जो घटना हुई है वो निंदनीय है। उन्होंने बताया कि जिले में 2 लोजपा नेता की जान ले ली गई है। पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में विफल है। इस दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सिंह से मुलाकात भी की। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो एक बात तो साफ है कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक और बड़े नेता की हो सकती है घर वापसी। विधानसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद जदयू अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी क्रम में हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हुई है। इसके साथ ही अब खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक और पुराने साथी का विलय होने वाला है। खबरों की माने तो अब भगवान सिंह कुशवाहा के आने के बाद यह समीकरण मजबूत हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान सिंह कुशवाहा वही हैं जिन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर जदयू छोड़कर जगदीशपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा ने हाल ही में वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही उनके घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस को लेकर सुनील गावस्कर ने की बड़ी भविष्यवाणी। आईपीएल के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब इस बार जीतने की प्रबल दावेदार टीम को लेकर भी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजीज टीम मुंबई इंडियंस को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। डिफेंसिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की नजर 6ठे खिताब पर होगी और गावस्कर की माने तो इस टीम को हराना किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल काम होने वाला है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और इसी के आधार पर गावस्कर ने अपना प्रेडिक्शन शेयर किया है। सिमी गरेवाल की तारीफ करते हुए कंगना ने साधा करण जौहर पर निशाना। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि उनकी चर्चा मीडिया में होने लगती है। इसी क्रम में कंगना का एक और ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा था कि मैं अभी सिमी गरेवाल को देख रही थी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यू लेने वाला उनके जैसी विरासत को कायम रख सकता है। आजकल के शो में ईमानदारी नहीं होती है, जिसके जवाब में कंगना ने कहा कि हां, सिमी गरेवाल ने एक सेलिब्रिटी के वास्तविक रूप को पेश किया है। विषय का एक पूरा स्केच जया मां के साथ उनके शो ने मुझे मेरे किरदार के लिए रिसर्च में काफी मदद की। यह चीज कुछ पापा जो बने फिरते हैं उन लोगों के इंटरव्यू में नहीं हो सकता जो एक दूसरे की बुराई बुली गॉसिप के बारे में होती है। इंस्टाग्राम चलाने की उम्र सीमा में होने वाला है बदलाव। इंस्टाग्राम यूजर कृपया ध्यान दें, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने हाल ही में अपने एप्लीकेशन संचालन को लेकर अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत इंस्टाग्राम ने ऐप को चलाने की उम्र सीमा बदलने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी फेसबुक इसका नया वर्जन तैयार कर रही है, जो खासकर उन बच्चों के लिए होगा जिनकी उम्र 13 साल से कम है। यानी अब ऑफिशियली बच्चे भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा करके कंपनी अपने प्रोडक्ट की पहुंच आने वाली जनरेशन तक ले जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि युवाओं बीच पॉपुलर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने या इस पर अकाउंट बनाने के लिए फिलहाल आपकी उम्र कम से कम 13 साल होना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक नए ऐप की घोषणा कंपनी ने इंटरनली कर दी है, हालांकि अभी इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आज है आखिरी मौका। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना, अगर आपने अब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करें, आज आपके पास आखिरी दिन का समय है। अगर आज भी आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो यह लापरवाही आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाली है। इसके लिए आपके ऊपर 10,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपका पैन भी अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना के कारण वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंब ITR भरने की भी आज आखिरी तारीख है। ध्यान रहे, विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपए तक विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। अगर आपकी आय 5,00,000 रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए का ही शुल्क देना होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,620 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,620 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,900 रुपए था। वहीं अगर हम बीते दिन राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम की बात करें तो 93.32 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही डीजल 86.32 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया। होली की छुट्टियों के कारण चरमराई पटना की बंद ATM व्यवस्था। होली के कारण ATM में कैश डालने की कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बैंकों में 4 दिनों की छुट्टी थी, लेकिन इसका असर सोमवार को अधिकतर ATM में देखने को मिला। आलम यह रहा कि कुछ ATM के तो शटर ही गिरे हुए थे तो वहीं कुछ ATM में पैसे ही खत्म हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि होली की वजह से 29 और 30 मार्च को बैंक बंद रहे। इससे पहले 27 मार्च को महीने का चौथा शनिवार और इसके बाद 28 मार्च को रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से भी बैंक बंद थे। इस तरह से लगातार 4 दिनों की बंदी के कारण ATM व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अविनाश सिंघम, श्वेता लॉय, प्रदीप, शंकर मुखिया, विकी कुमार, राजीव कुमार, रमिता दास, शशि भूषण, बबलू अहमद, विक्रम राज, साहिल राज, मुकेश कुमार, रमेश रॉय, राजन प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की किस अभिनेत्री ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।